प्रतिपुत्र मुलायम सिंह यादव को, आपने उसके उदाहरण दिए, आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया। नितिन के पास चलते हैं, नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं, वहीं गेस्ट हाउस सेपई गेस्ट हाउस के पास इस वक्त मौजूद हैं। नितिन, इस वक्त वहां पर क्या देख रहे हैं आप? हर आंख में आंसू है, मन उदास है, निराश है, व्यथित है। हिंदुस्तान की राजनीति से धरती पुत्र चला जा चुका है, तो ऐसे में किसी के पास भाव हैं तो किसी के पास भाव शून्यता है। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लोग, लेकिन कई लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये एक शख्सियत रही है मुलायम सिंह यादव की। तमाम लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ इटावा से संवाददाता जो फारिक भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे बात करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करके लौटे हैं, किस तरह से आज याद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव? माननीय नेताजी देश की राजनीति के एक पुरोधा रहे, हमेशा नौजवानों की, किसानों की बात नेताजी ने की। हम दरअसल फिरोजाबाद ज़िले से बिलोंग करते हैं। हमारे फिरोजाबाद ज़िले के गांव इटौली के रहने वाले थे। इटौली उनका पैतृक गांव है, ये तो ननिहाल है। हाँ, इटौली पैतृक गांव था, वहां से ननिहाल में आके बसे थे। यहां पे ज़मीनें मिली थी नेताजी के पिताजी को, और वहीं हमारे शिकोहाबाद में आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में नेताजी ने पढ़ाई की थी। और 1963 में बीटी किया था, पहले अहिर कॉलेज बोला करते थे। फिर आप समझ सकते हैं, बहुत लंबी यादें हैं लोगों के साथ। ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा सैफई, सिरसागंज, जो आपका घिरोर और मैनपुरी, यहाँ कहा जाए एक एक व्यक्ति को नेताजी नाम से जानते थे। आज कहा जाए यादों की एक लंबी। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है। नितिन, आपने बताया कुछ वहाँ के बारे में। रतीश के पास चलेंगे जो वहीं पर मौजूद है पास में। रतीश, आप क्या देख रहे हैं? रतीश, कौन पहुंचा है वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए? ये बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मिश्रा आई है श्रद्धांजलि अर्पित करने। नेताजी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ये राजनीति के एक युग की समाप्ति है, बहुत कुछ सीखा है और आराधना मिश्रा मोना जो कि सीएलपी लीडर है उत्तर प्रदेश में, वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सैफई पहुंची हैं और उनसे बात कर रहे हैं रतीश त्रिवेदी। और वो बता रही हैं कि क्या मायने हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के और उनके निधन से क्या क्षति हुई है राजनीति को। तो एक एक करके जो तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियाँ हैं, समाज के जो लोग हैं, शीर्ष जो लोग हैं और सामान्य जो लोग हैं, निचले से लगाए उच्चतम स्तर के जो लोग हैं, वो सभी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को अंतिम प्रणाम करने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए एक एक करके पहुंच रहे हैं वहां पर। मुख्यमंत्री गए, वो आपने देखा आपने, और उनके साथ उनके कैबिनेट कलीग्स, उन्होंने न सिर्फ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए बल्कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल की ओर से भी पुष्प चक्र अर्पित किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।